नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला मिशन स्थित नजीबाबाद की, जहां मिशन प्रेरणा के अंतर्गत स्कूल छोड़ चुके बच्चों को पुनः स्कूल में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह रहे। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि का बुके देकर स्वागत किया गया। उप जिलाधिकारी ने मौजूद सभी शिक्षकों को संबोधित करते हुए अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा देने का आह्वान किया और सभी को संबोधित करते हुए कहा, सुखवीर जी, सुखदेव सिंह जी, आपका और मोबिन जी, जब हमने ज्वाइन किया था तो संयोग से फर्स्ट डे ही इनसे मुलाकात हुई थी और भी जो बैठे हैं सबका स्वागत है। हमारे सम्मुख बैठे हैं हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। ये मैं दोनों अर्थ में कह रहा हूँ, बाद में कह दूंगा मैं कि क्यों कह रहा हूँ कि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। वहीं कार्यक्रम में मौजूद अधिकारी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, ये आउट ऑफ स्कूल बच्चों संबंधित आपकी 3 दिवसीय जो है कार्यशाला होगी, इसमें जो हमारे MT के साथ साथ आप भी अपने विचार रखेंगे, जिससे हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि 6 से 14 वर्ष की जो हमारा बच्चा है उस स्कूल में नामांकित हो और शिक्षा से वंचित ना हो। क्योंकि आप जानते ही हैं, हम सब लोग COVID-19 की वजह से 2 वर्ष की ऐसी स्थिति आई, उसमें भी आप लोगों बागों ने बड़ी मेहनत से ऑनलाइन जो कक्षा संचालित की और वर्तमान में क्योंकि विद्यालय संचालित है तो हमारा उद्देश्य है कि जिस वर्ग का बच्चा है, जिस आयु का बच्चा है, तो उसके अनुसार वो कम से कम जो है उसका जो है अधिगम स्तर हो। मैं SDM महोदय को ये भी अवगत कराना चाह रहा है कि इस कोविड में हमारे अध्यापकों ने इतनी मेहनत की कि हमारा पहला जो नामांकन था 24,000 समथिंग था और इस वर्ष हमारा जो है 32,667 नामांकन है। कार्यक्रम का संचालन ARP मोबिन हसन ने किया। मुख्य अतिथि को मां सरस्वती की प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जयकरण यादव, खंड शिक्षा अधिकारी इश्कलाल सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। और इसी के साथ जुड़ रहा है बंधन समाचार के साथ।